देश के अलग अलग हिस्सों में चैत नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई और यूपी से लेकर हिमाचल तक माता के भक्त आस्था के रंग में सराबोर है। देवी दरबार से लेकर शक्ति पीठों तक मां की जय जयकार हो रही है। भक्त अपनी मुराद लेकर माता के दर पर पहुंच रहे हैं। आज महाअष्टमी के दिन महागौरी की उपासना की गई है। मान्यता है कि महागौरी की पूजा करने से समूचा जगत जागृत हो जाता है और इसकी कृपा से हर असंभव कार्य पूरा हो जाता है। भक्ति में सराबोर हैं देवी दुर्गा के भक्त। गांव से लेकर शहर तक सजा है मां का दिव्य दरबार, जिसकी रौनक देखते ही बन रही है। चैत्र नवरात्र का महापर्व अंतिम पड़ाव पर है और मां के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाअष्टमी पर महागौरी के महापूजन के लिए भक्त उमड़ रहे हैं, मां के दर्शन कर सौभाग्य का वरदान पा रहे हैं। सब कुछ बिन मांगे दिया, इसने मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ देती है, जो मांगोगे जो इच्छा होगी वही देती है। शांति और बच्चन की खुशलवती माँ ने सब कुछ पूरी करी है और बुलाए अपने पास। बिना मांगे जब माता रानी देती है तो हमें मांगने की जरूरत नहीं है, माँ ने सब कुछ दे रखा है। देश भर में माँ महागौरी की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम के साथ की जा रही है। चाहे देश के मंदिर हो या देवी के शक्ति पीठ, माँ के दर पर आस्था में डूबे भक्तों का उल्लास देखते ही बन रहा है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में महाअष्टमी के पावन मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि आज का दिन शक्ति की उपासना करने वालों के लिए बेहद खास जो है। कहते हैं महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही अखंड सुहाग जो होता है उसका सौभाग्य मिलता है। आज के दिन ही कन्या पूजन भी की जाती है और ये भी कहा जाता है कि अगर आपने नवरात्रि के 7 दिन व्रत नहीं रखा, आप अष्टमी और नवमी को व्रत रखते हैं तो आपको नवरात्रों का फल मिल जाता है। हर भक्त अपनी अपनी मुरादें लेकर माँ के दर पर आ रहा है। कोई सुख शांति की कामना लेकर आया है तो कोई मनचाहा जीवन साथी पाने का आशीर्वाद मांग रहा है। 9 दिन का नवरात्र व्रत है और कालका माता जी का बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हम सोचे नहीं थे कि हम अच्छे से दर्शन पाए, लेकिन माता जी की कृपा से हम बहुत अच्छा से दर्शन। माता बिन मांगे जान लेती हैं क्या मन में है, माता से मांगना नहीं पड़ता है, वो सब जानती है मन का हाल। मेरी मनोकामना माँ ने सुनी है, पूरी की है, मुझे विश्वास है। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी है। पूरे भक्ति भाव और उल्लास के साथ भक्त मां आदि शक्ति का पूजन और वंदन कर रहे हैं। नवरात्र सिर्फ व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी है। राजधानी के झंडेवालान मंदिर में बकायदा कन्याओं का पूजन हुआ, उन्हें चुनरी उड़ाई गई, उपहार दिए गए। मां को प्रसन्न करने का इससे बेहतर उपाय और क्या हो सकता है। छोटी छोटी नन्ही मुन्नी कन्याएं हैं जिनका पूजन किया जा रहा है और ये कन्याएं जिनको लाल रंग की चुनरी उड़ाई गई है, मंदिर की तरफ से ये प्रसाद की जो सामग्री है इन बच्चियों को दी गई है, इनको तिलक लगाया गया है, पूजन किया गया है और ये छोटी छोटी बच्चियां जिनका पूजन यहाँ पर किया गया है, लगातार जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सेवादार जो है यहाँ की व्यवस्था को बनाए हुए हैं, जो सिर्फ भंडार विभाग है वहाँ पर 160 सेवादार लगाए गए हैं। कन्या पूजन यहाँ पर हो चुका है, प्रसाद इन छोटी छोटी बच्चियों को दे दिया गया है। अष्टमी पर जितना महत्व माँ की आराधना का है उतना ही कंजक पूजन यानी कन्या पूजन का भी है। मान्यता है कि कन्या पूजन से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं। शास्त्रों में कहा गया कि 9 साल की कन्या देवी का स्वरूप कही गई है, तो हमारे शास्त्रों में देवी 9 साल की कन्या को देवी मानते हैं, तो 9 साल तक की जो कन्याएं हैं उनका पूजन हमें करना चाहिए। कन्या को तिलक लगाकर, कंगना बांधकर, उनके पैर धुलाकर, जैसे माँ की पूजा की जाती है पाद्य अर्घम आचमन ये सब देकर कन्या पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से हलवा पूरी का भोग जो है वो कन्या को लगाना चाहिए और उसके बाद कन्या को दक्षिणा देकर कुछ वस्त्र इत्यादि देकर जो है कन्या पूजन करना चाहिए।
अष्टमी और नवमी तिथि का नवरात्र में खास महत्व है, लिहाजा देवी मंदिरों के साथ साथ शक्ति पीठों पर भी श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दिया। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार में शक्ति पीठ, तीन शक्ति पीठ यहां पर है और शक्ति की उपासना करने के लिए आज महाअष्टमी के दिन हम मनसा देवी पहुंच चुके हैं और यहां पर सीधे आपको हम दर्शन कराते हैं माता मनसा की, जो कि खुद शक्ति स्वरूपा है और इस वक्त यहां पर मौजूद है। आपको बता दें कि विशेष करके आज महाअष्टमी के दिन जीएनटी के तमाम दर्शकों की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हम भोग लगवा रहे हैं, प्रसाद लगवा रहे हैं माता मनसा को। कहते हैं कि अगर आज के दिन यहाँ पर आकर आप जो भी मुराद मांगे, जो भी मन्नत मांगे, वो सारी मुरादें जो है वो पूरी होती है। आज के दिन विशेषकर यहाँ आने पहुँचने की क्या मान्यता है, क्योंकि हम देख रहे हैं दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। माँ मनसा देवी जो है दुर्गा का स्वरूप है, दुर्गा माता है, सभी की मनोकामना पूरी करती है, तो दुर्गा माता को ही माँ मनसा देवी कहते हैं। महिषासुर मर्दनी राक्षस महिषासुर का वध करके माँ मनसा देवी महिषासुर मर्दनी है, ऊपर पंचमुखी गायत्री माता है। गायत्री माता को स्थापित किया है बलि प्रथा रोकने के लिए। प्राचीन काल में बलि प्रथा थी, तो बलि प्रथा को रोकने के लिए नारियल का भोग लगाया जाता है, इसकी बलि दी जाती है, इसका प्रसाद वितरित किया जाता है। सभी देवी देवताओं की मनोकामना पूरी हुई, इसलिए दुर्गा माता को ही मनसा देवी कहा जाता है। माँ से भक्तों का अटूट विश्वास जुड़ा है, मान्यता है कि माँ हर विघ्न दूर करती हैं, हर मनोकामना पूरी करती हैं। लिहाजा आज महागौरी के दर पर भक्त माँ को प्रसन्न करने में जुटे हैं। आज महाअष्टमी है, महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है और ऐसे में हम अयोध्या के बड़ी देवकाली जी मंदिर में हैं। ये वही मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रभु श्री राम और उनके पूर्वजों की कुल देवी का मंदिर है, यानी बड़ी देवकाली जी का मंदिर है। यहाँ पर पूजा अर्चना लोग करते हैं, उसके बाद हवन भी करते हैं। बड़ा हवन कुंड बना है जिसमें लोग यहाँ जो दर्शन करने देवी के आते हैं, उसके बाद आहुति देते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु ने इस मंदिर की स्थापना की थी, इसका निर्माण कराया था और राम के जन्म से पहले माता कौशल्या ने भी यहाँ पूजा अर्चना की थी। राम और सीता भी यहाँ पूजा अर्चना करते रहे और ये मंदिर इसलिए और ज्यादा लोगों की आस्था का केंद्र है और यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। यहाँ जो स्वरूप है देवी का वो भी बिल्कुल अलग है और यहाँ पर जो देवी हैं वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की कुल देवी हैं, माँ विद्योकाली जी। भगवत गीता में माता जी का वर्णन किया गया है त्रिगुणा नाम से और सिद्धपीठ माँ विद्योकाली जी हैं। कई हजार वर्ष प्राचीन मंदिर है माता जी का। भगवान श्री राम के पूर्वज रघु महाराज जी ने इस मंदिर की स्थापना कराई है। दुर्गा स्वरूपों में मंगला गौरी के दर्शन का भी विशेष विधान है। वाराणसी में पंचगंगा घाट किनारे माँ का पवित्र धाम है, जहाँ माँ के दर्शन के लिए दूर दराज से भक्त आते हैं। गौरी के दर्शन के क्रम में मंगला गौरी के दर्शन का विधान चला आ रहा है और इनका अति प्राचीन मंदिर वाराणसी के इस पंचगंगा घाट किनारे पर स्थित है। माता मंगला गौरी के साथ मान्यता है कि यह सभी तरह की मंगल कामना को पूर्ण करती हैं और जो मंगल दोष होता है, मंगल ग्रह से प्रभावित मंगल दोष होता है, उसको भी खत्म करती हैं। माता सौभाग्य की देवी हैं और हम लोग उनकी मान्यता की वजह से आज अष्टमी के दिन नारियल तोड़ने और सुहाग की रक्षा के लिए हम लोग आए हुए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, जम्मू से लेकर वाराणसी तक, मंदिरों और शक्तिपीठों में माँ की जय जयकार है। बस शहर बदल रहे हैं, मंदिर बदल रहे हैं, लेकिन उत्सव और उल्लास का रंग हर मंदिर में एक ही है। माँ बाल सुंदरी देवी का डोला हर साल की तरह धूमधाम के साथ नगर मंदिर से चैती मंदिर के लिए रवाना हुआ। सैकड़ों भक्तों की भीड़ के साथ पालकी रूपी डोली में माँ बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा को लेकर चैती मेला भवन पहुँचे। माँ के भवन में पहुँचते ही भक्त प्रसाद चढ़ाने के लिए चैती मेले में उमड़ पड़े। पंचकूला के मनसा देवी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता दिखाई दिया। देवी के इस दर पर
बड़ी तादाद में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस वक्त हम माता मनसा देवी के दरबार में हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी दूर दूर से जो श्रद्धालु है माता के दर पर पहुंच रहे हैं। आज के दिन की खास विशेषता है और कहा जाता है कि अगर आज के दिन श्रद्धालु है वो व्रत रखता है तो उसकी तमाम मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। उसके साथ साथ आज के दिन वो कंजकों की पूजा की जाती है और कंजकों की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि वैभव और शांति आती है। देवी के भक्त माँ महागौरी को परम कल्याणकारी मानते हैं। भक्तों का ये कहना है कि देवी जगदम्बा ममता की मूरत हैं और भक्तों की सभी जरूरत को पूरा करने वाली हैं। कहते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन गौरी माँ की उपासना और ध्यान करने से सर्व कल्याण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जा रही है। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। आखिर क्या है माँ सिद्धिदात्री की महिमा और क्या है पूजा की सही विधि, ये बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। नव दुर्गा का जो अंतिम स्वरूप है वो है माता सिद्धिदात्री का स्वरूप और नवरात्रि के नवे दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाती है। इनकी उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा माना जाता है कि यक्ष गंधर्व देव देवता देवी नाग किन्नर और मनुष्य सभी माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और सबकी मनोकामनाएं माता सिद्धिदात्री पूरी करती हैं। नवमी के दिन अगर आप विशेष रूप से माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें तो सारी देवियों की पूजा का फल मिल सकता है, यानी जितनी भी नव दुर्गा की देवियां हैं माता शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कूष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि और महागौरी, ये तमाम जो देवियां हैं ये समाहित मानी जाती हैं माता सिद्धिदात्री के अंदर। तो जब आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो संपूर्ण नवदुर्गा के स्वरूप का वरदान आपको प्राप्त होता है। इस दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई माता सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए। कमल के पुष्प पर देवी बैठी हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, उनका ध्यान करें और देवी को अलग अलग प्रकार के अलग अलग सुगंधित पुष्प विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल आप देवी को अर्पित करेंगे और नवमी के दिन देवी को शहद अर्पित करना सबसे ज्यादा शुभ होता है, यानी आप देवी को अलग अलग रंगों के फूल अर्पित करेंगे और साथ में देवी को शहद भी अर्पित करेंगे। नवमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा कवच का पाठ करना, कीलक और अर्गला का पाठ करना लाभकारी होता है। बहुत सारे लोग नवरात्रि में रोज हवन करते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नवमी तिथि पर नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन जरूर करना चाहिए। नवमी के दिन सुबह के समय पहले आप पूजा करिए, दोपहर के समय भगवान राम की पूजा करिए, उसके बाद हवन करिएगा। लेकिन नवरात्रि यहीं खत्म नहीं होगी, जब 9 रातें बीत जाएंगी तब नवरात्रि समाप्त होगी, इसलिए महानवमी की जो पूजा होती है वो नवमी तिथि की मध्य रात्रि को होती है। तो अगर आपको माता सिद्धिदात्री की वास्तविक पूजा करनी होगी तो आप नवमी की मध्य रात्रि को करिएगा। हवन दोपहर में भगवान राम के जन्मोत्सव के बाद आपको करना चाहिए। हवन सामग्री में जौ मिलाएं और काला तिल मिलाएं, इसके बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करें। अब बहुत सारे परिवारों में अष्टमी को कन्या पूजन होता है,
और बहुत सारे परिवारों में नवमी को कन्या पूजन होता है, तो अगर आपके घर में नवमी को कन्या पूजन की परंपरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले सुबह देवी की पूजा करिएगा, दोपहर में भगवान राम की पूजा करिएगा, फिर हवन करिएगा, फिर कन्या पूजन करिएगा और तब आहार ग्रहण करिएगा। सबसे पहले हवन कुंड में लकड़ी जलाइए, अगर आम की लकड़ी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी लकड़ी शुद्ध हो उसको आप जलाएं। पहले 5 बार घी डालें, देवी का स्मरण करके पहले 5 बार घी आप अग्नि में डालेंगे, फिर 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे, 108 बार हवन सामग्री अग्नि में डालेंगे। डालते समय आप या तो पढ़िए ओम दुं दुर्गाय स्वाहा, ओम दुं दुर्गाय स्वाहा, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा, ये पढ़िए, या गायत्री मंत्र के साथ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इस मंत्र से हवन करिएगा, 108 बार आहुति डालेंगे मंत्रों के साथ। अयोध्या में इस बार की रामनवमी विशेष होने वाली है, विशेष इसलिए क्योंकि इस बार रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के पहले अस्थायी मंदिर में उनका यह जन्मोत्सव होगा, इसके बाद स्थायी मंदिर में उनका जन्मोत्सव मनाने की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच अयोध्या में देश भर से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला तेज हो गया। स्थायी मंदिर में समाप्ति है इस वर्ष, आगे साल जो रामनवमी होगी, राम का जन्मोत्सव, वह भव्य मंदिर जो बन रहा है उसमें विराजमान हो जाएंगे और वहाँ मनाया जाएगा। इसलिए इस वर्ष का जो अस्थायी मंदिर में रामलला का जो हो रहा है इसका पूजन, ये कलश स्थापन होकर के पूजा जो है 22 तारीख से ही शुरू हो गई है और ये कल तक बहुत विशेष है क्योंकि इस बार अस्थायी मंदिर में रामलला का दर्शन पूजन होगा इस रामनवमी पर, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले वर्ष रामलला जब विराजमान हो जाएंगे तो रामनवमी पर भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला का पूजन होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अयोध्या आने का सिलसिला लोगों का जारी है, लोग दूर दूर से अयोध्या आ रहे हैं, पैदल चल करके आ रहे हैं। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के प्रकट होने का उत्सव मनाया जाएगा। रामनवमी के दिन भव्यता दिव्यता के साथ पंजीरी, पंचामृत, मिष्ठान, फल फूल सबका भोग लगाकर भक्तों में बांटा जाएगा। निर्माण स्थल पर गर्भगृह फूलों से सज्जा होगी। रामनवमी पर अयोध्या पहुंचने वाले भक्त राम जन्मभूमि पर बने अस्थायी मंदिर के साथ साथ उस जगह पर भी पहुँच रहे हैं जहाँ राम मंदिर में लगने वाले शिलाओं को तराशा जा रहा है। जब अधिक संख्या में जनता आती है तो उसका नियंत्रण कैसे होगा और वो किस रूप में चलें ताकि कहीं भी शहर में मंदिर में जाम ना लगे, क्राउड मैनेजमेंट वो लोग भी उपस्थित थे। इस बार की बैठक में निर्माण कार्यों का निरीक्षण अधिक हुआ। कल भी बहुत छोटी छोटी बातों का जो हो रहा है उसको देखा गया और जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो। राम भक्तों में आपको भगवान श्री राम की भक्ति की एक अनूठी तस्वीर दिखाते हैं। भक्त अपने भगवान का नाम पूरे शरीर पर उकेर देता है। छत्तीसगढ़ के रामनवमी समुदाय के लोग पिछले 150 सालों से भी ज्यादा के समय से अपने शरीर के हर हिस्से पर राम नाम लिखवाने की परंपरा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ राममय है और अब अगले वर्ष यानी 2024 जनवरी में जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे उसके पहले ये अयोध्या आए हैं और अपने राम की स्तुति गा रहे हैं और लोगों को एक आकर्षण का केंद्र भी है कि राम भक्त हो तो ऐसा। आप कहाँ से रहने वाले हैं?
जी सबसे पहले तो बोलिए राम राम। जी राम राम। हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, चार जिले से, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा से। जी कितने वर्षों से आपकी ये परंपरा चल रही है? ये हमारी परंपरा करीब 150 से 200 वर्षों से चली आ रही है। अच्छा जी, तो किस तरह से आप अपने शरीर पे, जब वो राम राम हम देखें सब पूरे शरीर पे राम राम गुदा है, तो ये कब से ये शुरू हुआ और कितने उम्र में ये एक साथ गुदता है कि धीरे धीरे होता है, किस तरह से? ये हमारा छत्तीसगढ़ में एक संप्रदाय है, रामनामी संप्रदाय। तो इसमें कुछ नियम बंधन है, रामनामी होने से पहले इसमें कोई जाति बंधन नहीं है। सबसे पहले शाकाहार लेना होगा, किसी प्रकार का मादक द्रव्य का सेवन ना करें, और जहां तक हो सके मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा ना करें। इसके बाद में राम राम का नाम लिखाया जाता है। इसके लिए कोई निश्चित समय की आवश्यकता नहीं है, कोई शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, कोई पवित्र स्थान की आवश्यकता नहीं है। जिस समय मन में भक्ति भावना उपज जाए, जब राम राम कृपा करे, तब से ये चालू हो जाता है। यानी जाति नहीं है, राम नाम ही धर्म है, राम नाम ही जाति है, है ना? न जाति का बंधन है, न धर्म की, है ना? जातन पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार की, पड़ी राम दोगा। अच्छा, ये देखिए माताजी भी हैं, ये बताइए, ये आपके भी पूरे शरीर पे राम नाम है, तो नई पीढ़ी कैसे देखती है इसको? हमारे नया पीढ़ी भी लिखा रहा है अभी थोड़ा थोड़ा से, और हमारे दादा लोग सब लिखाए थे। हमारे 200 साल हो गया ये राम राम चलते चलते आ रहा है। आईटीबीपी के जवान हरियाणा के पंचकुला में इजरायली मार्शल आर्ट के दांव पे सीख रहे हैं। इस मार्शल आर्ट तकनीक से ये जवान चंद सेकंडों में दुश्मन को बिना हथियारों के धराशाही कर सकते हैं। सीमा पर चीन से मिलने वाली चुनौतियों के लिए ये ट्रेनिंग बेहद अहम है, क्योंकि चीन सीमा पर आईटीबीपी के जवान मुस्तैद रहते हैं। ऐसे में बिना हथियारों के युद्ध लड़ने का कौशल इन जवानों की ताकत को और बढ़ा देगा। अभी 50 जांबाज इस ट्रेनिंग में शामिल होंगे, जबकि आने वाले महीनों में दूसरे जवानों को भी इसी ट्रेनिंग में ट्रेन किया जाएगा। आईटीबीपी के ये जवान बिना हथियारों के दुश्मन को भूल चटाने का दम रखते हैं। इन्हें काबिलियत हासिल हुई है इजरायली मार्शल आर्ट क्राउड मागा से। पंचकुला के आईटीबीपी सेंटर में इन जवानों को क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जा रही है। बिना हथियारों से किस तरह से दुश्मनों से लोहा लिया जा सकता है, उसको लेकर भानु के पंचकुला आईटीबीपी में आईटीबीपी जवानों को इजरायली मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सिखाई जा रही है। जून 2020 में जिस तरह से गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच क्लोज कॉम्बैट युद्ध हुआ था, उसके बाद से अपने जवानों को और ज्यादा सुदृढ़ करने को लेकर ये टेक्निक आईटीबीपी जवानों को सिखाई जा रही है। आईटीबीपी के जवान चीन की सीमा पर सरहदों की रखवाली करते हैं। साल 2020 में गलवान घाटी में आईटीबीपी के जवानों ने चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया था। अब अगर चीन ने दोबारा ऐसी हरकत की तो इस मार्शल आर्ट की मदद से ये जवान चीनी सैनिकों को चंद सेकंड में धराशायी कर देंगे। ये बहुत ही डेडली टेक्निक्स हैं। इसका एक एक स्ट्राइक काफी दुश्मन को घायल कर सकता है, और ये मात्र 2 से 2.5 सेकंड में हम अपने दुश्मन को जमीन पर लिटा देंगे, चित कर सकते हैं। ये बेसिकली अनआर्म्ड कम्बैट है, बगैर हथियारों को इस्तेमाल किए हुए आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने अपोनेंट को कैसे इनकैपेसिटेट कर सकते हैं, इसकी सिखलाई है। आईटीबीपी फिलहाल 50 कमांडो को ये प्रशिक्षण दे रहा है। आगे चलकर इस इजरायली मार्शल आर्ट को दूसरे जवानों को भी सिखाने की योजना है। पंचकुला से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। 15-16 जून 2020 के बाद पहली बार भारतीय सैनिकों को इस तरीके की ट्रेनिंग देने की जरूरत महसूस हुई। तब लंबे अरसे के बाद चीनी सैनिकों के साथ
फेस ऑफ की स्थिति में हमारे जवानों को धक्का मुक्की, गौतम गुस्सा और हिंसक हमले को भी सामना करना पड़ा था। इस दौरान चीनी सैनिकों ने हमारे 20 जवानों के खिलाफ हिंसक हमले के लिए डंडों कीली लगी रॉड्स के इस्तेमाल से गुरेज तक नहीं किया। चीनी सैनिकों के सामने निहत्थे डटे रहने की वजह से हमारे कई जवानों को देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ी थी। इसी घटना के बाद पूर्वी लद्दाख के LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात होने वाले जवानों को भारतीय सेना की तरफ से अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी हथियारों की लड़ाई के लिए ट्रेनिंग देने का सिलसिला शुरू हुआ। यह वजह है कि भारत की उत्तरी सीमा की सुरक्षा को जिम्मा उठाने वाली केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी ITBP को जवानों को इजरायली मार्शल आर्ट क्राफ मागा की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि चीनी सैनिकों के आमना सामना होने की स्थिति में शारीरिक रूप से वो ज्यादा प्रभावी और हावी रह सके। ऐसे में इजरायली सेना के इस खास मार्शल आर्ट क्राव मागा के बारे में दिलचस्प जानकारियां जानते हैं। आखिर आत्मरक्षा की इस तकनीक को सीखने के बाद ITBP के जवान हमारे दुश्मनों को पलक झपकते ही कैसे चित कर देंगे, आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल आपके लिए सबसे खास बात यह है कि आखिरकार ये किया कैसे गया। दरअसल इजरायली सेना के इस खास मार्शल आर्ट की को हंगरी में रहने वाले इमी लेचेनफेल्ड का नाम से यहूदी एथलीट ने ही शुरू किया था। दूसरे विश्व युद्ध से पहले यहूदी समुदाय को हिंसा के जरिए निशाना बनाया जाने लगा। लगातार हो रहे हमलों की वजह से यहूदियों की जानो माल को काफी नुकसान और खतरा पैदा होने लगा। हिंसक हमलों का सामना कर रहे यहूदियों को बचाने के लिए ही मशहूर मुक्केबाज पहलवान और जिम्नास्टर इमी ने आत्मरक्षा की इसी तकनीक को विकसित किया। हालांकि हंगरी में यहूदियों पर जब हिंसक हमलों में कमी नहीं आई तो इमी ने फिलिस्तीन चले गए। साल 1948 में इसराइल को देश के तौर पर मान्यता मिल गई, जिसकी वजह से उनके अपने सैनिक बनाने का फैसला किया। तब इमी ने इजरायली सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों को युद्ध की ट्रेनिंग के लिए चीफ ट्रेनर के तौर पर नियुक्त किया गया। लेकिन इमी लेचेनफेल्ड को रंगरूटो के सभी बैच को ट्रेनिंग देने के लिए महज 3 हफ्ते का समय मिला। समय की कमी को देखते हुए इमी ने आत्मरक्षा की सक्षम और असरदार प्रणाली विकसित की, जिसको आज पूरी दुनिया में क्राव मागा के नाम से जाना जाता है। क्राव मागा की ट्रेनिंग के दौरान शरीर के अंगों का इस्तेमाल कर अपनी रक्षा और दुश्मन पर हमला करने तो सिखाया ही जाता है, इसके अलावा हथियारों के इस्तेमाल को भी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। क्राव मागा के दुश्मन में के शरीर के संवेदनशील अंगों को निशाना बनाना सिखाया जाता है। जब अंग पर जबरदस्त हमला होता है तो दुश्मन या तो हमलावर या फिर तुरंत पस्त हो जाता है। क्राव मागा में शरीर का इस्तेमाल करने के अलावा आसपास पड़े हथियारों या चीजों का इस्तेमाल भी सिखाया जाता है। हथियारों में बंदूक चाकू के अलावा छड़ी चाबी या फिर कोई भी चीज की मदद से आत्मरक्षा की तकनीक सिखाई जाती है। दरअसल इसका मकसद यह है कि दुश्मन या हमलावर पर काबू पाया जा सके। चीन से लगी लगातार उत्तरी सीमा पर तैनात हमारे जांबाजों को आत्मरक्षा के लिए ऐसी तकनीक की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि चीनी सैनिक जब भी पेट्रोलिंग यानी गश्त करने आते हैं तो वो अपने साथ नॉन लिथल वेपन यानी डंडा, करंट लगी छड़ी, कील लगी रॉड्स और पेपर स्प्रे साथ रखते हैं और भारतीय जवानों पर हिंसक हमला करने के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जबकि तय प्रोटोकॉल और समझौते के तहत भारतीय जवानों की पूरी कोशिश रहती है कि हर हाल में संयम बरता जाए। LAC पर पार करने की कोशिश के दौरान भी चीनी सैनिकों पर बिना फायरिंग और गुत्थम गुत्था के जरिए उन्हें सबक सिखाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में क्राव मागा की जैसी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से भारतीय सैनिकों को और आत्मविश्वास और मजबूती बढ़ेगी। देखिए लगातार इसी तरह की ट्रेनिंग अब ITBP के जवानों को दी जा रही है, ताकि बिना हथियारों के इस्तेमाल के वो हर उस चीनी घुसपैठ को या चीनी चालबाजी को कंट्रोल कर सके, जो लगातार चीन लंबे समय से करता आ रहा है। लेकिन 2020 के बाद से ही लगातार भारतीय सेना इसके अलावा ITBP यानी अर्धसैनिक बलों को जो LAC के इलाकों में तैनात रहते हैं उनको संयम या फिर उनको मजबूत करने के लिए ऐसी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग दी जा रही है। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क से एक गुड न्यूज आई है। देश में 5 दशक बाद पहली बार चीतों का जन्म हुआ है। जी हां, श्योपुर में कुनू नेशनल पार्क में नामीबिया से आई फीमेल चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट पर दी। सियाया के
प्रेग्नेंट होने की जानकारी 20 दिन पहले ही कुनू नेशनल पार्क के मैनेजमेंट को मिल गई थी, तभी से उसका खास ख्याल रखा जा रहा था। इन चार शावकों के जन्म के बाद देश में कुल चीतों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से आए 8 चीतों को कुनू नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद प्रोजेक्ट चीता के दूसरे चरण में हाल ही में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। इस तरह देश में कुल चीतों की संख्या 20 हो गई थी, मगर 2 दिन पहले फीमेल चीता साशा की मौत हो गई, जिसके बाद ये संख्या घटकर 19 रह गई। हालांकि अब इन चार शावकों के जन्म के बाद चीतों का ये कुनबा फिर से बढ़ गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कुनू में आए इन नन्हे मेहमानों की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए खुशी जाहिर की है। जो 17 सितंबर 2022 को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 मादा चीताओं को छोड़ा था, उनमें से एक मादा चीता सियाया नाम की, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है और वो अभी जो प्री रिलीज एंक्लोजर हैं उसमें, बड़े एंक्लोजर हैं उसमें हैं अभी वो, और सुरक्षित हैं। ये सियाया अभी, इसकी उम्र 3 साल है और ये जो कब्स पैदा हुए हैं ये पहले भारतीय चीता आप इनको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ भारत की जमीन पर यहाँ आने के बाद ये बच्चे पैदा हुए।